फाइनली मैंने अपना सेटअप वगैरह रेडी करना तो स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद ना मैं यहाँ टेबल पे अपना सारा सामान अरेंज करके रखने वाली हूँ, क्योंकि बाद में ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें कि हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ स्केचिंग और पेंटिंग। तो भाई मैं तो सामान निकाल के यहाँ पे रख रही हूँ और मुझे ना बार बार पेंटिंग में ना उठ के कुछ उठाने का मन नहीं करता है। मैं जब पेंटिंग कर रही होती हूँ मुझे बहुत ज्यादा शांति चाहिए होती कि बस मैं और पेंटिंग हो रही हूँ और कुछ नहीं। मैं अब यहाँ पे स्केचिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ और स्केचिंग में ज्यादा कुछ नहीं है और मैं आपको ना दिखा देती हूँ मैंने कौन सी वाली इमेज ली है जो मैं आज क्रिएट करने जा रही हूँ पेंटिंग में। तो ये वो इमेज है जो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करने वाली हूँ और ज्यादा स्केचिंग तो देखो इसमें है नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत स्केच मारना है वो करूंगी, बट मैं इसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई करने वाली हूँ तो अभी आपको मैं करते करते बताऊंगी। मैंने अपनी बेसिक सी स्केचिंग जल्दी से स्टार्ट कर दी थी और बिल्कुल देर नहीं करी मैंने इसको स्टार्ट करने में, क्योंकि ऐसा कुछ था भी नहीं। तो यहाँ पे देखो ज्यादा स्केच तो इसमें कुछ है नहीं और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने करा क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे ये ट्रीज हटा दिए हैं, इनको साइड में कर दिया, ये साइड के ट्रीज ऐड करे हैं मैंने इसमें, ये देखो ये रहे। और यहाँ पे ये सब थोड़ा डिटेलिंग्स में जाऊंगी और बैकग्राउंड में थोड़े से ट्रीज ऐड कर दिए बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी हम कलरिंग से करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि साथ साथ करना मेरे तो वो भी कर सकते हो। तो जल्दी से ये इमेज ले लो, और ये इमेज ना मेरी खींची हुई है तो आप ये बिल्कुल ले सकते हो। यार इसकी स्केचिंग तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब बहुत इजी गोइंग है, मतलब एकदम अच्छे से हो गई थी। बाकी मैंने बैकग्राउंड्स वगैरह में जो भी चीज़ें ऐड करी थी वो आपको बता दिया मैं कैसे कर रही हूँ, इसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने ना इस पेंटिंग को इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़े से ह्यूमंस भी ऐड करे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग को ना इंटरेस्टिंग बना देता है। और देखो मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया, बस रेफरेंस दिया है कि हाँ कोई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा क्या किया है, यहाँ पे मैंने हर चीज को लाइंस में ड्रॉ किया है और पता है लाइंस में ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आप एक एक चीज बनाने बैठोगे तो आपका हो गया सब कुछ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमन भी ऐड करें और अच्छा लगे। फटाफट वेट ऑन वेट टेक्निक के लिए ना वाटर अप्लाई कर दे रही हूँ जिससे ये अच्छे से वेट हो जाए और मेरा काम हो जाए कि मैं एकदम लेयर वाइज इसमें डालूं। और फर्स्ट लेयर डालने के बाद वेट जरूर करना। तो यहाँ पे मैंने जब स्काई का कलर डाला ना, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आपको ऐसा ही कलर यूज़ करना है जब भी आप फर्स्ट लेयर डालो तो, क्योंकि ज़्यादा आप थिक कलर नहीं यूज़ कर सकते। और देखो कितने अच्छे से फ्लो हो रहा है, क्योंकि मतलब मैंने पहले वाटर सारे में अप्लाई कर दिया था, उसका ये रीज़न है। जब हम बैकग्राउंड के लिए ऐड करेंगे ना तो बस ऐसे ही कलर्स डालो और देखो कितना मज़ा आता है। यहाँ पे के जो ट्रीज है ना ये वाले, ये सारे मैं ऑफ में दूंगी क्योंकि मुझे फोकल ये पूरा रखना है, तो थोड़ा वाइब्रेंट इधर दूंगी। थोड़ा सा ना ब्राउन छोड़ते रहना बहुत ज़्यादा, सॉरी ब्राउन नहीं, थोड़ा सा वाइट छोड़ते रहना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब वाइट ना अलग ही लुक देता है पेंटिंग को। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा गाँव का लुक दे रही हूँ और जनरली ये है भी, ठीक है, तो इस वजह से। और अब ये फर्स्ट लेयर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ह्यूमंस मैं अभी लास्ट में ही दूंगी यहाँ पे, तो ह्यूमंस में अभी ऐसा कुछ नहीं देना है, जो इम्पोर्टेंट है बाद में करेंगे। अब इसको पूरा प्रॉपरली ड्राई होने के लिए छोड़ो। तो अभी मैंने इसमें ना सेकेंड लेयर डालनी है और अभी तो मैं पूरा पूरा वेट करूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसमें अभी डाल दिया तो इसमें ना पैच फॉर्म हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा बेकार लगने वाला है। तो अभी पूरा वेट करके आराम से करेंगे हम, तो उसके बाद डिटेलिंग्स वगैरह पे आएंगे और ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ना एक घंटा लगेगा ये कम्प्लीट करने में। यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा झाड़ वगैरह का टाइप का लुक दिया है, और यहाँ पे देखो ट्रीज़ में भी ना मैं सेम चीज़ कर रही हूँ, थोड़ा स्ट्रोक्स में काम करो और थोड़ा ना स्प्लैटरिंग कर दो
तो वो अपने आप ही ना सारा झाड़ वगैरह लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना बहुत ध्यान रखा है कि मेरे पेड़ ना काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगे, तो आप उसका ना पिगमेंट तोड़ दो, बिल्कुल भी पिगमेंटेड कलर्स यूज़ मत करना, तो नहीं तो नेचुरल नहीं लगेगा। तो बस अब मैं उसको डिटेलिंग्स में ऐड कर रही हूँ, और पीछे की साइड ना मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत काम करूँगी, बाकी मैं थोड़ा सा सेंटर में ऐड करूँगी और उधर का ना मैं ऑफ़ कर दूँगी। इधर की साइड ना थोड़ा सा येलोइश है, बट मैं ये साइड तो ऑफ ही रखने वाली हूँ इसीलिए, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा बैकग्राउंड में कलर दूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे करते करते ना मेरा माइंड चेंज हो गया, तो मैंने ना फोकस उधर की साइड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे ह्यूमंस भी उधर थे ना, तो मैंने उधर की तरफ कर दिया। और यहाँ इधर का जो पेड़ था ना, वो मैं सोच रही हूँ कि उसको ऑफ़ कर दूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छा मैच हो जाएगा, इसलिए तो अब आप चेंज कर सकते हो। बस मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप भी बिल्कुल मत करना अगर आप कर रहे हो। मैंने इसमें सेकेंड वैल्यू ऐड कर दी है और अब बारी है डार्क वैल्यू की, वो ऐड करके फाइनली डिटेलिंग्स करके पेंटिंग को फिनिश करते हैं। मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन ये पेंटिंग मेरे साथ ही ट्राई कर रहा है और आप कितना इन्जॉय कर पा रहे हो इसको। फाइनली अब मैंने यहाँ पे ना डार्क वैल्यूज वगैरह ऐड कर दिए हैं, अब बस थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स का काम है तो वो देना है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी ह्यूमन फिगर्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो सारी चीज़ें मैं अब थोड़ा ऑफ साइड काम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत करना। और यहाँ पे मैं ना रोड पे थोड़ा सा दे रही हूँ, जिससे लगे कि हाँ मिट्टी बड़ी है, थोड़ा गांव का इफ़ेक्ट है, तो वो चीज़ देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है, तो ये सब इफ़ेक्ट ज़रूर देना आप। और अब मैं ह्यूमंस पे काम कर रही हूँ, और ह्यूमंस करने के बाद ना आपका सारा फोकस मेरे वहाँ वाले पॉइंट पे जाएगा, जो मैंने फोकस वाला पॉइंट बनाया है। तो आप भी अपनी पेंटिंग करते टाइम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, वहीं पे ऐड करना ह्यूमंस जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये मेरा फोकस है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होना चाहिए, डिटेलिंग्स अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनना चाहिए आपका फोकस। ठीक है, यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस कंप्लीट हो गए हैं, बस इसको 3D दिखाने के लिए मैं यहाँ पे शेडो वगैरह ऐड करूँगी, जिससे ये एकदम निकल के बहुत अच्छा लगेगा। आप इसका क्लोज व्यू ना लास्ट में देखना, ये कितने सुंदर ह्यूमंस बने हैं। और मैंने सबका कलर ना डिफरेंट रखा है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं सबके कलर्स को अलग रखूँ, और ये वैसे भी बहुत प्रिटी लग रहा था, मतलब मुझे ना आर्टिस्टिक उसमें बहुत अच्छा लगा। ये इसके बाद मैं और कुछ नहीं करूँगी इसमें। आपको वाटर कलर करते टाइम अच्छा लगता है, मतलब होता है ना किसी किसी को टफ लगता है तो वो छोड़ देते हैं, बट अगर आप कर रहे हो ना तो उसको कंटिन्यू करते रहो, धीरे धीरे करके खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। और बहुत सी टिप्स भी मैंने अपने वीडियोस में दी हैं। फाइनली ऑलमोस्ट पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, और मैं अब इसमें सिग्नेचर करके फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ, इसमें मैंने और क्या चीज़ें ऐड करी है। वैसे तो और कुछ नहीं, बस डिटेलिंग्स पे काम किया है, तो अभी रुको आपको दिखाती हूँ। सो ये है इसका फाइनल लुक, और आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ये ट्रीज़ वगैरह को वाइब्रेंट नहीं रखा है, ह्यूमंस में देखो आप इसमें कितना ज़्यादा अच्छा लुक आ गया है। तो आपको अगर करना है ना तो आप भी ह्यूमंस ऐड कर सकते हो इसमें। फाइनली आज की ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और आपने ट्राई किया कि नहीं किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।